नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ट्रक बना आग का गोला, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। गाड़ी माल समेत जलकर हुई खाक। ट्रक की हालत देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह हादसा कितना भयानक था। जंगली झाड़ियों के बीच से होता हुआ ये रास्ता छपरा से बलिया मार्ग है। हादसा भी बलिया में ही हुआ है। ड्राइवर हैं भोला कुमार यादव, बलिया उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। गाड़ी मालिक व चालक हैं। 14 चक्का ये गाड़ी है, अशोक लेलैंड। 1 अक्टूबर से ये लोड लेकर चले थे सिलवासा से। गाड़ी में परचून का माल ऊपर था और नीचे तारे लोड थे। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल और अलीद्वार पश्चिम बंगाल में ये माल अनलोड करना था। 10 अक्टूबर की रात 2:30 बजे किसी होटल के पास ये रुके, उतरे, चाय पानी किया। फिर जैसे ही दोबारा गाड़ी पर चढ़ने लगे तो अचानक बैटरी ब्लास्ट कर गई। ऐसा कहना है ड्राइवर का। ड्राइवर की सीट के नीचे बैटरी रखी थी और उस ब्लास्ट से कैबिन में आग लग गई और धीरे धीरे वो आग फैलती हुई तिरपाल तक पहुंची। तिरपाल से होते हुए पूरे ट्रक में लग गई। ड्राइवर के अनुसार जब गाड़ी में आग लगी तो तकरीबन डीजल टैंक में 400 लीटर के लगभग डीजल भरवाया हुआ था। मौके पर ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचे। फायर ब्रिगेड वालों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि गाड़ी के पहियों की और गाड़ी की हालत क्या हुई पड़ी है। वाकई में ड्राइवर नसीब वाला था कि उस समय गाड़ी में वो मौजूद नहीं था। मामले की FIR बैरिया थाने में हो चुकी है। इंश्योरेंस वाले भी सर्वे करके जा चुके हैं। हालांकि गाड़ी का इंश्योरेंस था, पर फिर भी इतना नुकसान हुआ है, फिलहाल के लिए परेशानी तो है ही। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, RTO और टोल अधिकारी आपको GVW पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।